नमस्कार वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईपीएल रिटेंशन प्रोसेस में ड्रेवन ब्रावो को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने रिटेन नहीं किया था, ऐसे में अब वो आईपीएल 2022 के ऑक्शन में उतरना चाहते हैं। ब्रावो ने कहा कि भले ही सीएसके ने उनको रिटेन नहीं किया है, लेकिन इस फ्रेंचाइजी ने मुझे मेरे करियर में काफ़ी कुछ दिया है। मैं आईपीएल ऑक्शन में जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि चेन्नई सुपर किंग्स मुझे फिर लेगी या नहीं, लेकिन मैं ऑक्शन में जा रहा हूं। इसके साथ साथ ब्रावो ने धोनी को लेकर भी बातें कही और कहा कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उन्होंने मेरे करियर को बड़ा बनाने में काफ़ी मदद की है। हमारी दोस्ती अच्छी है और हम एक दूसरे को खूब समझते हैं। ब्रावो ने कहा कि भारत में लोकप्रिय होने के कारण एक ब्रांड बन पाए हैं वो। ड्रेवन ब्रावो ने धोनी को लेकर आगे कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे करियर में मदद की है। हम दोनों का सीएसके में एक साथ महान विरासत रहा है। ब्रावो ने कहा कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं। बता दें कि 2021 के आईपीएल में भी ब्रावो सीएसके की टीम की ओर से खेले थे। 2021 के सीज़न में चेन्नई की टीम ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीत कर कमाल कर दिया था। हाल ही में ड्रेवन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। इस 38 साल के खिलाड़ी ने पहले भी संन्यास लिया था, लेकिन 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वापसी की थी। ब्रावो T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वो 512 मैचों में 553 विकेट ले चुके हैं। ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले एकलौते गेंदबाज भी हैं और ब्रावो एक बार फिर आईपीएल में वापस खेलना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।